हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का ये पार्ट टू है, जनरल साइंस के हम आज 1000 क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज हैं उसकी सीरीज लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज यदि आपने अभी तक पार्ट वन हमारा वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देख लें। फ्रेंड्स, उसमें 1 से लेकर 50 तक जो हमारे क्वेश्चन हैं हमने उसमें पहले ही वो करा चुके हैं, और ये हमारा आज क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो जो होगा, हम प्रत्येक वीडियो 20 वीडियोज लाएंगे, इस पर 1000 क्वेश्चन में होंगे। एमसीक्यू साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके रेलवे और एसएससी में आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर दें। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सूर्य में नाभिकीय इंजन है, तो सूर्य में नाभिकीय इंजन है वो किसका, नाभिकीय इंजन कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, ठीक है। और सूर्य की जो शक्ति उसमें मिलती है सूर्य को, वो मिलती है हमारे नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को हमारी शक्ति मिलती है। और यहाँ पर हमारा ईंधन कौन सा होता है, इसमें हाइड्रोजन ईंधन। नाभिकीय ईंधन कौन सा कहलाता है हमारा, हाइड्रोजन ईंधन, ठीक है। तो इसमें हमारा H2 जो है इसका ईंधन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला करेक्ट हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी जो है वो एच हेनरी जो होता है मात्रक उसका, वो हमारा होता है प्रेरकत्व का। तो हेनरी हमारा किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये हेनरी जो है वो किसका मात्रक है। तो हेनरी मात्रक होता है हमारा प्रेरकत्व का, यानी कि इसका एल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/r = 1/l + 1/c। तो ये जो मात्रक होता है जो प्रेरकत्व का, यानी कि मात्रक जो होता है, आर इसमें प्रतिरोध होता है और सी धारिता होती है, ठीक है। और एल जो होता है वो प्रेरकत्व होता है। तो एल का ये मात्रक हमारा किसका है, एल का। और ये हमारे जो होता है ये सी का है, यानी कि धारिता का। और ये जो प्रतिरोध जो होता है हमारा आर। और प्रतिरोध हम कहाँ में नापते हैं, हमारा प्रतिरोध नापते हैं हम ओम में नापते हैं हमारा प्रतिरोध, ठीक है। ओम इस प्रकार से लिखते हैं और ओम इस प्रकार से ही बनाया जाता है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो खाना ऑप्शन नंबर दे रखे हैं आपके, क्योंकि खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनका जो नीचे का हिस्सा होता है बाहरी हिस्सा, वो काला क्यों छोड़ दिया जाता है? तो चार ऑप्शन है, रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, या काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि काली जो होती है सतह, किसी भी चीज की काली होती है तो वो जो है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, ठीक है। तो वो ऊष्मा को अच्छी तरह अवशोषित कर लेती है, इस कारण खाना जो है हमारे बर्तनों में जल्दी पक जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी वाला इसमें राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो हम फ्रेंड्स जो करा रहे हैं आपको, आप इसके रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज इसके आप नोट्स जरूर बना लें, और उस नोट्स के माध्यम से आप जब पेपर एग्जाम देने जाएं तो उससे एक दिन पहले इन क्वेश्चंस पर आप निगाह जरूर डालें। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस हैं साइंस के जिनमें से आपको 1000 यदि क्वेश्चंस हैं तो आपको इनमें से 5 क्वेश्चन तो जरूर जरूर मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 1000 क्वेश्चन हैं वो आपके लॉजिक को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो आपको जिसमें कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चन में, वो भी आपको वो क्लियर कर देंगे 1000 क्वेश्चन ये। तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें हमारा, और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। अंत में वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर प्रेस करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, और भाप हल्की होती है। तो फ्रेंड्स, भाप के कारण जो हम आपने देखा होगा कि हम जले हुए पानी से गर्म पानी से जल जाते हैं तो हमें इतना गर्म नहीं होता है। यदि हम किसी उतनी ही डिग्री पर होती है भाप से यदि हम जल जाएं तो हम बहुत बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये होता है हमारा, भाप में जो है वो उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए इस कारण हम भाप से अधिक जलते हैं अपेक्षाकृत गर्म जल के, भाप से हम बहुत जलते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि बाष्प की गुप्त ऊष्मा
कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाष्प की बात करिए तो बाष्प का मतलब भी भाप से ही है, तो भाप की जो यहाँ पूछा है बाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो यहाँ पर भाप की तो भाप की यहाँ पर हमारी गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 536 केल्विन प्रति ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है। जो सितारे होते हैं यानी रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उसमें अक्षय ऊर्जा का क्या कारण है? तो फ्रेंड चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, सॉरी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, और रेडियोधर्मी का पदार्थ अक्षय, और ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको उत्तर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्रोत हैं उसका क्या कारण है, सितारों में अक्षय ऊर्जा का, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत का कारण जो है सितारों में वो है हमारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो जो एच का है वो एच ई में कन्वर्ट हो जाती है, तो हाइड्रोजन जो है हमारी वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इसके कारण वो सितारों में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत का कारण कहलाई जाती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरे आप तो सभी जानते होंगे, यानी एक्सरे रे का मतलब होता है फ्रेंड्स किरणें, या तो आपको पता ही होगा रे बोलते हैं हम किरणों को, ठीक है। और एक्सरे जो होती है जो वो बेहद खतरनाक किरणें कही जाती है, और जो एक्सरे आपने देखा होगा एक्सरे जो अस्पताल वगैरह में खींचते हैं, ठीक है। और तो इसके आविष्कारक कौन थे, एक्सरे की किरणें की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इनके ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रॉन्जेंट ने। रॉन्जेंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस एक्स किरणों की खोज की थी एक्सरे की। और फ्रेंड्स यहाँ पर इनका रॉन्जेंट का पूरा नाम था हमारा WK रॉन्जेंट, ठीक है, WK रॉन्जेंट। तो WK रॉन्जेंट ने हमारी एक्सरे की खोज की थी। तो ये अक्सर नाम पूछा जाता है कई कई प्रश्न में, जामिया GMI जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की उसमें भी पूछा गया है, GMI और SSC में भी एक बार आया है। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय का क्या काम होता है? तो व्हाट इज द वर्क ऑफ हार्ट, तो हार्ट का जो वर्क है वो क्या होता है, यहाँ पर हमको बताना है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों के पंप करना। तो आपको इसमें से कार्य बताना है, ऑप्शन नंबर एक कोई सर राइट है इसमें से, तो हम आपको ऑप्शन। तो फ्रेंड जो हार्ट का वर्क होता है वो हार्ट का वर्क आपको सभी लोगों को पता हो जाएगा, रुधिर को शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें पंप करना होता है, हमारे हार्ट का जो वर्क होता है। हृदय का काम क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा उसके शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। तो हृदय का काम होता है हमारे रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, अंडा, प्यूवा और लार्वा, इमीगो, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन एक राइट है। तो ये फ्रेंड्स जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपने जीवन चक्र के प्यूपा काल में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन है इसका प्यूपा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स एक क्वेश्चन नाम आया है, नाम आप ध्यान से देखें। तो हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, और मिट्टी के बिना पौधों की पानी के बिना पौधों की वृद्धि, यानी आवाज का पानी के साथ संबंध और पानी की तकनीक का संरक्षण। तो हाइड्रो फ्रेंड सबसे बड़ी बात होती है, जो हाइड्रो की बात हो रही है ना वहां पर हमारा जो पानी या फिर जल से संबंधित हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स जो संबंधित होता है यहाँ पर वो होता है हमारा मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। तो मिट्टी के बिना कैसे पौधों की वृद्धि होगी, पौधों की वृद्धि इस पर जो स्टडीज किया गया है, जो पढ़ा गया है वो है हमारा हाइड्रोपोनिक्स, उसे बोलते हैं जो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि जो टॉपिक है उस पर पढ़ा गया है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स से बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो आप ये तो सबने पढ़ा ही होगा, जो क्यूसेक से मापा जाता है वो जल का भाव मापा जाता है। तो वाटर स्ट्रीम में से मापी जाती है किससे, क्यूसेक में आते हैं ना वाटर का कितना भाव, कितने क्यूसेक में पानी आया, ठीक है। तो क्यूसेक में हमारा जल का
भाव मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चलता है? तो ये तो आपने अक्सर पढ़ ही रखा होगा, साइंस का जनरल नॉलेज का एक प्रश्न है, साइंस भी नहीं है इसमें। तो ये है लैंप की, लैंप में जो बत्ती में जो तेल चढ़ता है वो है हमारा केशिका की घटना के कारण। ठीक है, केशिका की घटना के कारण हमारा लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का प्लैन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो स्लैशिक वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स हमारी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि ये फ्रेंड्स इसका आप पहले ये समझ लें, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तो होता है हमारा प्लैन वेग। इसका क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल गया है, लेकिन फ्रेंड्स प्लैन वेग क्या होता है? प्लैन वेग जो फ्रेंड्स होता है वो होता है कि कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु को धरती से आसमान के ऊपर की ओर फेंका जाए और इतने वेग से फेंका जाए कि वो वस्तु पुनः धरती पर वापस ना आए, तो उस वेग को जो उस वेग से फेंकी गई वो वस्तु उसे कहते हैं हम पलायन वेग। यानी वो वस्तु पलायन कर जाए, पृथ्वी पर वापस ना आ पाए। तो हम यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो वो धरती का पलायन वेग कहलाएगा, वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का काल कितना होता है? यानी जियो स्टेशनरी जीएस होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काल जो है वो होता है हमारा फ्रेंड भू स्थिर उपग्रह। जितने बार भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं वो उनका काल जो है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। तो हमारा पृथ्वी के परिक्रमण काल कितना होता है? 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स हमारा पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है। तो इसलिए भू स्थिर जो उपग्रह है उनका भी काल 24 आवर्स ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। और फ्रेंड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तुल्यकाली उपग्रह यानी कि जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? मतलब किसी भी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आपको हो जाएगा कि इसकी ऊंचाई जो होती है किसी भी भूतुल्यकारी उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो होती है हमारी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से उसकी ऊंचाई होती है। तो आप इसे याद रखें, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? ये आपने पढ़ रखा होगा H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स H2SO4 क्या है? हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये एक सांद्र विलयन होता है और ये एक अम्ल बोलते हैं इसे। ठीक है, ये एक प्रकार का एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है और रसायन का केमिस्ट्री का किंग ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है? तो आग बुझाने के लिए आमतौर पर कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आमतौर पर आपने आग बुझाने वाले सिलेंडर कहीं पर देखे होंगे तो वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के। आपने ये सुना भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो सिलेंडर हैं वो हमारे आग बुझाने के काम आते हैं। तो आग बुझाने वाले हमारी कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस वो होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स बनते हैं उनके जो निर्माण में कौन से कांच का उपयोग कौन सा होता है? ठीक है, तो उनमें जो होता है वो उपयोग होता है हमारे फ्रेंड्स फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। उसका उत्तर है हमारा बी वाला, आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है उसमें हमारे कांच का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारे फ्लिंट कांच का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा उसमें बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कौन से तत्व बहुत आयत से पाए जाते हैं? मतलब सूर्य पर हाइड्रोजन तो पाई जाती है लेकिन उसके अलावा और कौन से जो तत्व हैं वो सूर्य पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4, हीलियम, नियॉन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। तो ऑप्शन सूर्य पर क्या क्या पाया जाता है? एक तो हाइड्रोजन और एक है हमारी हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही फ्रेंड्स जो सूर्य अपनी ऊर्जा लेता है वो मतलब नाभिकीय संलयन, आपने पढ़ा होगा, तो नाभिकीय संलयन जो एच और एच ई के कारण ही होता है। ठीक है, और सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो एच को एच ई में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? जो कुरिंजी एक प्रकार का फूल होता है उसे 12 वर्ष में खुलता है, वो उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों खुलता है वो? तो वो है हमारा फ्लोरोजन स्राव के कारण। फ्लोरोजन स्राव एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके कारण हमारा वो फूल जो है वो 12 वर्षों में एक बार खिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। संसार का फ्रेंड सबसे बड़ा जो पुष्प है
वो कहलाता है हमारा इसमें बुल्फिया कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपको यहाँ दे नहीं रखा है, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन देख के बता देता हूँ फ्रेंड्स कौन सा इसमें उत्तर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हमारा, सॉरी, इसमें हमारा उत्तर कहलाएगा, वो है कहलाएगा हमारा रेफलिसिया। रेफलिसिया जो है हमारा भारत का नहीं बल्कि पूरे संसार का जो है सबसे बड़ा फूल कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, हमारा पुष्प होता है, वो होता है रेफलिसिया, सबसे बड़ा पुष्प होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो आलू का जो खाने योग्य भाग होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा तना। हम फल को तो खाते हैं, उसका जो तना होता है उसका वही खाते हैं, तो आलू का खाने योग्य भाग होता है हमारा तना। लेप्रोसी लेप्टासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था। तो लेप्टासी जो बेसिलस नाम की वस्तु है उसका आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है मैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न का सीधे उत्तर बता देता हूँ सीधा। इसका जो उपयोग किया, इसका आविष्कार किया था, वो किया था सर हैंसन ने। सर हैंसन ने इसका लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार, सॉरी ये तो हमने बता दिया आपको, हैंसन। ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ऊतक का जो अध्ययन होता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं। तो उस विज्ञान को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो जो डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो दिया था हमारा फ्रेंड्स वॉटसन और क्रिक ने, दोनों वैज्ञानिक का इनके संयुक्त जो श्रेय जाता है। तो जो जो वैज्ञानिक थे हमारे दोनों, वो थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो दोनों ने दिया था मिलकर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देता है फ्रेंड। जो वर्ण अंधता यानी कि इसके जो मार्क ब्लाइंडनेस होते हैं उन्हें जो रेड कलर है वो किस प्रकार का दिखाई देता है फ्रेंड। जो रेड कलर होता है वो उन्हें ग्रीन दिखाई देता है। ठीक है, जो रेड कलर होता है उन्हें ग्रीन दिखाई देता है, यानी लाल को हरा देखते हैं वो लोग, तो हरा दिखाई देता है उन्हें। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो यदि कोई वर्णांध पुरुष है फ्रेंड्स, यदि वो महिला से शादी कर लेता है सामान्य महिला से जो कि वर्णांध नहीं है, ठीक है, तो उसके लक्षण जो है वर्णांध के वो किसके संतानों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो पाए जाएंगे फ्रेंड्स पुत्रियों के, पुत्रों की संतान में, ये उस जोड़े की जो पुत्र पुत्रियां होंगी उसके जो पुत्र होंगे उनके वो उनमें वर्णांधता के लक्षण पाए जाएंगे, यानी वो भी लोग ऑब्जेक्टिव ब्लाइंडनेस होंगे। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस क्रिया का प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वो करते हैं हमारे श्वसन का उपयोग। पौधे रात में श्वसन का उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन का उपयोग करते हैं। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स हरे पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो है हमारा 17। हमारे 17 पोषक तत्वों की हरे पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरे तो उसमें याद रखिए हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी 17। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। तो हाइड्रो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बताया था हाइड्रो जहां भी मतलब हो जाएगा उसका, वो हो जाएगा मिट्टी से या पानी से, है। तो हाइड्रोफाइट यहाँ पर जो कहते हैं हाइड्रोफाइट कहते हैं हमारे बिना मिट्टी का पौधा। तो हाइड्रोफाइट यानी फाइट से देखिए मतलब यहाँ समझिए, फाइट जो है हमारा यानी कि पौधे का किससे मतलब होता है, मिट्टी से, है। मिट्टी जो नहीं है तो हाइड्रोफाइट कहलाएगा। ठीक है, जिस पौधे में मिट्टी नहीं है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित रहती है। तो प्रकाश जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की वजह से प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। तो प्रकाश ऊर्जा जो रूपांतरित होती है हमारी, वो होती है हमारी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और वो हमारी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, जो हिमनदी होती है
लगभग उसकी बर्फ की नदियां होती हैं उनसे जो बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, तो फ्रेंड्स वो कहाँ से होता है, ऊपरी सतह से, मध्य सतह से, या निचली सतह से, या पूरी सतह एक साथ पिघलती है? तो फ्रेंड्स जो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, जो बर्फ की सतह नदियां होती हैं, हिम नदियां, उनमें जब बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है तो वो निचली सतह से प्रारंभ होती है। पहले नीचे का बर्फ पिघलता है, फिर उसके बाद मध्य सतह पिघलती है, और फिर उसके बाद ऊपरी सतह पिघलती है। ठीक है, इस प्रकार से बर्फ का पिघलना हिमनदी का प्रारंभ होता है। सबसे पहले निचली सतह पिघलती है, उसके बाद मध्य सतह, और उसके बाद उच्च सतह। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 86 की, वायुमंडल में ऊपर बढ़ने पर हवा का दबाव होता है। जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ने पर हमारा हवा का दबाव जो है वो कम होता है, अधिक होता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि हमारा हवा का दबाव जो है वो कम होता चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला आपका राइट हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? यदि कोई हीरा अपने आप में से काट दिया गया है तो वो क्यों जगमगाता है? तो फ्रेंड्स वो उसका कारण है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो हीरा होता है, कटा हुआ हीरा, वो हमारा जगमगाता है। ठीक है, वो हमारा चमकता रहता है। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जो मानव की आंख होती है उसकी रेटिना पर झांसे मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है, वो उस वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा ऑप्शन वास्तविक और सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा, आभासी सीधा। तो मानव की रेटिना की आंख पर जो रेटिना बनता है वो प्रतिबिंब बनता है हमारा वास्तविक और उल्टा, यानी वो रियल तो होता है और उसके वस्तु के उल्टा बनता है, जबकि हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी व्यक्ति के यदि आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल जो दर्पण आपके सामने रखा गया है उसकी लंबाई या ऊंचाई जो कहिए तो आपकी ऊंचाई से वो आधी आधी ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए, यानी लगभग आपकी ऊंचाई लगभग 6 फीट है तो उसकी लगभग 3 फीट होनी चाहिए। ठीक है, जब ये आपका चित्र उसमें पूरा दिख पाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, पार्सेक जो मात्रक होता है हमारा, पार्सेक इकाई किसकी इकाई है? तो पार्सेक हमारी जो इकाई है वो इसमें पूछा गया है, उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूरी का। फ्रेंड जो दूरी का मात्रक होता है हमारा पार्सेक, ये तो आप सभी जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, पार्सेक दूरी का मात्रक है। एक नैनोमीटर होता है, तो फ्रेंड्स एक नैनोमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें 10^-7 सेंटीमीटर, 10^-7, 8 या 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला राइट हो जाएगा, सॉरी बी वाला राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 10^-7 सेंटीमीटर का एक नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो रडार का आविष्कारक कौन था? रडार जो बनाए गए हैं फ्रेंड्स, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का जो आविष्कार किया था वो किया था हमारे रॉबर्ट वॉटसन ने। रॉबर्ट वॉटसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका जो रडार होते हैं उनका आविष्कार किया था, और रडार को हमारी आजकल सेना और यानी आर्मी और कई प्राइवेट कंपनियां भी यूज करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। टैकियान से क्या तत्पर है? टैकियान जो है फ्रेंड्स उससे क्या तत्पर है? ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखे हैं, प्रकाश गति से तीव्र वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, यानी जालक कंपन की मात्रा, या वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, उन्हें किसे कहते हैं? मतलब टैकियान जो कहते हैं वो कहते हैं भाई प्रकाश की गति से जो तीव्र गति वाले कण होते हैं उनको टैकियान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला राइट हो जाएगा, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कणों को क्या कहते हैं? टैकियान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं वो कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है फ्रेंड्स 639। एक स्वस्थ मानव में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, एक मानव शरीर में मांसपेशियां 639 होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां होती हैं एक स्वस्थ मनुष्य में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है वो मूल रूप से फ्रेंड्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एंजाइम्स को ही हम प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन्स को ही एक प्रकार से एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम क्या है हमारे? मूल रूप से प्रोटीन ही है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल जो है
फ्रेंड्स वो किससे संबंधित होता है? कुल चार ऑप्शन दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, वसा या प्रोटीन। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स वो पाया जाता है हमारे, वो हमारा वसा से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है कोलेस्ट्रॉल? वो हमारा वसा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 99 क्वेश्चन की, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो जो पालक के पत्ते होते हैं उनमें कौन सा क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर विटामिन ए, कैरोटीन, आयरन या विटामिन डी। तो जो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आयरन। जो पालक के फ्रेंड्स पत्ते होते हैं उनमें आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, आयरन की मात्रा उसमें अधिक होती है। ठीक है, एफई आयरन का एक वो होता है फ्रेंड्स, रासायनिक की प्रतीक होता है वो होता है एफई। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है? तो पित्त आपने नाम सुना होगा पहले से, वो कहाँ से बहता है? ठीक है, यानी यकृत से और उदर से, यानी छोटी आंत से या पाचक ग्रंथि से। तो जो पित्त होता है वो हमारे यकृत से स्त्रावित होता है, यकृत से उसका बहना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इस वीडियो के 50 क्वेश्चंस। तो हमारे ये 1000 वीडियो की आपको ये कैसी सीरीज है हमारी स्टार्ट की है हमने, आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का हमारे लिए ही हमारे लिए सपोर्ट होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।